अस्सलामुअलैकुम आदाब स्टूडेंट्स, आई होप कि आप जो हैं मेरे इन लेक्चर से कुछ ना कुछ सीख रहे हुए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। वो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारी वीडियोज़ जो है अपलोड की हुई हैं, उनके लिए बताना पड़ता है कि वो वीडियोज़ में जाकर वो देख लें और वो वहाँ पर उनको वॉच कर सकते हैं। और मेरा मिशन भी यही है कि अगर दिन में एक ही स्टूडेंट कोई मेरा लेक्चर देख ले और उसके एक ही वर्ड चाहे वो दिन में सीख ले तो वो फ्यूचर में उसे काम आए, तो मैं अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल समझता हूँ। आज हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उनका जो उसका जो हमने पैसिव वॉइस बनाया, उनके सेंटेंसेस के अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, या इंटरोगेटिव सेंटेंस या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस थे, वो आपने वहाँ पर देखा हुआ होगा, तो वहाँ पर इज एम आर इस्तेमाल होता है। और इसकी जो पहचान होती है वो रहा था, रही थी, इसकी ये क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये जो है ये चेंज इन में होते हैं, ये भी आप जो है इस पर भी आप एक बार इसको भी देख लें। तो अब हमारा हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते थे, जो वहाँ का स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब यहाँ पे क्या है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट मतलब वक्त, वो वक्त जो गुजर गया है, और जो गुजरे हुए वक्त में जो कुछ हो रहा था की बात हो रही है, क्योंकि ये पास्ट, ये कंटिन्यूस टेंस है, जो कंटिन्यू मीन्स जो कंटिन्यू चल रहा है। इस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करें, इस वक्त जो वक्त चल रहा है, इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग, हम कुछ सीख रहे हैं, मतलब अभी कंटिन्यू है। तो जो पास्ट में कंटिन्यू था, जो कल कंटिन्यू था, परसों था, या 10 दिन पहले, या साल पहले, 100 साल पहले जो कंटिन्यू बात हो रही थी, उसी के बारे में हमने आज पढ़ना है कि क्या हो रहा था। और इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पास्ट है, तो पास्ट में था, थे, थी, रहा था, रहे थे, रही थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस, अभी यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से टेंस ही बदल जाता है, पास्ट प्रेजेंट में चला जाता है और प्रेजेंट फ्यूचर में चला जाता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारा पैसिव वॉइस है, इसके सेंटेंस जो हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग, अब यहाँ पर बीइंग इस्तेमाल करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी ये बीइंग इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, इज एम आर मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात थी, और ये वाज वर है मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात है, तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने उसको भी देख लिया है, वहां पर इज एम आर, वहां पे इज एम आर, यहां पे वाज और वर, चेंज सिर्फ वाज और वर की और इज एम आर की हो रही है, इज एम आर उसमें है, इसमें वाज और वर है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट में फिर उसी तरह से वाज और वर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो हमने सेंटेंस इसमें स्ट्रक्चर बनाया पैसिव वॉइस में, वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहां पे ऑब्जेक्ट प्लस वाज और और प्लस नॉट जो है वैसा ही है, वही बीइंग है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वही बाय है, और वही सेम सब्जेक्ट है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में देख लें, वाज और वर पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा हुआ होगा, वो आप वो वीडियो जो है उसको आप भी देख सकते हैं, वहां पर इज एम आर पहले इस्तेमाल होता है, यहां पे वाज और वर इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर इज एम आर, और जब फ्यूचर हम भी बात करेंगे तो विल और शैल, विल और शैल, बस इन ही हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से सारा जो हमारा टेंस है, जो हमारा वक्त है, वो सब चेंज हो जाता है। प्रेजेंट पास्ट में हम कर सकते हैं, पास्ट का हम फ्यूचर में कर सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल वो चेंज करने से। तो पैसिव वॉइस में फिर सेम वही है, वाज और वर पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, उसमें भी बीइंग था, यहाँ पर भी बीइंग है, वहां पर वाज और इज एम आर है, यहाँ पर जो है वाज और वर है, फिर बीइंग वैसा ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, बाय सेम है, और सब्जेक्ट सेम है। अब हम कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पर करते हैं, वैसे अभी आपके माइंड में जो है वो पूरी पिक्चर आ गई होगी और पूरा लेक्चर आपके माइंड में इस वक्त घूम रहा होगा कि बिल्कुल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो पढ़ा है, फिर हमने उसके सेंटेंसेस जो चेंज किए हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, तो ठीक वैसा ही है, सिर्फ ये कन्फर्म बात है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। अब रवि वॉज राइटिंग अ लेटर, रवि एक खत लिख रहा था, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो ये लेटर है, और ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ए लेटर पहले आएगा, ए लेटर
इन लेटर, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ए लेटर ऑब्जेक्ट हमारे पास वाज, फिर उसके बाद हमारे पास बींग, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न, फिर उसके बाद हमारे पास जो बाय आएगा, फिर उसके बाद हमारे रवि, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई भी मुश्किल नहीं है। ए लेटर वाज बींग रिटन बाय रवि, रवि के जरिए खत लिखा जा रहा था। रवि वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, रवि खत नहीं लिख रहा था, ठीक इसी तरह से फिर हमने ये लेटर को लेना है सब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को लेना है ए लेटर, ठीक है, वॉज लगेगा, ये नेगेटिव में आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वॉज वर्ब, ये वॉज, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बींग, फिर उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद बाय, उसके बाद रवि, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए लेटर वॉज नॉट बींग रिटन बाय रवि, रवि के जरिए खत नहीं लिखा जा रहा था। अब यहां पे मैं दो सेंटेंसेस आपके लिए छोड़ दूंगा, ये आपने करेंगे और मुझे श्योर है कि आप जो है वो कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे आप, वॉज रवि राइटिंग ए लेटर, क्या रवि खत लिख रहा था, एक, और ही वॉज ड्राइंग ए पिक्चर, वो तस्वीर बना, वो तस्वीर ड्रॉ कर रहा था, बना रहा था। तो ये आपने इनको कॉमेंट बॉक्स में मुझे इनके जो है पेशियो में चेंज करके बताना है। थैंक यू।